नमस्कार दोस्तों, समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग अपडेट में फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में अपडेट है वो है समस्तीपुर और मुक्तापुर के बीच जो बूढ़ी गंडक पर न्यू ब्रिज बनी थी उसकी कंट एंड कनेक्शन की। काफ़ी दिनों से ये जो ब्रिज है दोस्तों काफ़ी दिनों से बन के तैयार थी, बट इस पर कोई काम नहीं चल रही थी। और दोस्तों आपको पता है, अभी जो फिलहाल आपको अपडेट मिल रही है इस चैनल पे वो है रामभद्रपुर और किशनपुर की दोहरीकरण प्रक्रिया अपडेट। और आपको पता होगा कि समस्तीपुर से किशनपुर तक की दोहरीकरण प्रक्रिया अपडेट पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और उस पर ट्रेन भी दौड़ती नज़र आती है। और उससे आगे की जो सेक्शन है किशनपुर से रामभद्रपुर के बीच वो फिलहाल अभी जोरों धोर से काम चल रही है, तो उसकी अपडेट आपको मिलती ही रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं समस्तीपुर के नज़दीक जो बूढ़ी गंडक है उसकी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों बूढ़ी गंडक पर बने रेलवे के दूसरे पुल का 14 व 17 मई का होगा कट एंड कनेक्शन, यानी कि आज 14 मई और 17 मई को कट एंड कनेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है तो कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और टाइमिंग की बात करें दोस्तों, मैं इस वीडियो को आगे प्रोसेस बढ़ाऊंगा, उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते, आपको बताते कि भारतीय दरभंगा समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के समस्तीपुर मुक्तापुर के बीच बनकर तैयार दूसरे पुल से रेलवे ट्रैक को कट एंड कनेक्शन 14 मई यानी आज और 17 मई को होगा, जिससे लेकर रेलवे प्रशासन ने उस दिन सुबह 9:45 से 2:45 तक का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस दोनों दिनों में ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे मुख्य सूचना पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 मई को समस्तीपुर से खुलने वाली 055 समस्तीपुर दरभंगा मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा और 55 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस भागलपुर से 120 मिनट देर से खुलेगी। तो दोस्तों कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इसे डिस्क्रिप्शन में टोटली डिटेल्स ट्रेन का मिल जाएगा कि कौन सा डाइवर्ट कर दिया गया ट्रेन, तो कुछ ही ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और दोस्तों बता दें कि आंशिक प्रारंभन करने चलाई जाने वाली ट्रेनें हैं 17 मई को जयनगर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14649 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ समस्तीपुर से होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हम ये भी वीडियो दिखाएंगे नेक्स्ट अपडेट में कि वहाँ पर जो कट एंड कनेक्शन का काम चल रही है उसकी अपडेट के बारे में। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।